भाई देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अभी इसके करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पहला बेसिक मेथड क्या है। अगर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो मैं दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इधर भी स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 9, इसको इस तरफ लेकर आऊँगा तो ये इधर वैल्यू क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। ये आपका राइट आंसर है। लेकिन इसका जो बेस्ट मेथड है, अगर मैं ट्रिक की बात करूँ, तो एक ट्रिक काम करती है इसके पीछे, और वो ट्रिक क्या है, अपन बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू क्या है, इसको हम ए मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। जब भी कभी यहाँ पर प्लस गिवन है, यहाँ क्या गिवन है, अगर यहाँ प्लस गिवन है और यहाँ भी प्लस दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है ए स्क्वायर माइनस 2। ये ट्रिक काम करती है इसके पीछे। अगर मैं यहाँ इस वैल्यू को ए मानता हूँ, इसका मतलब 3, ए की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर माइनस 2 है, अगर ये माइनस 2 है, ये मैटर नहीं करता, हमें यहाँ पर प्लस माइनस देखना है। ठीक है, तो इधर वाली वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। जब मैं इस वाली वैल्यू को सॉल्व करूँगा, ठीक है, इसे स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, इधर हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, इसका भी आंसर कितना होगा, 2 होगा। अगर हम जो बेस्ट मेथड देखें तो इसका क्या है, इसका तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाएगा 4 और इस इधर 4 और ये इधर आकर माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं अगले क्वेश्चन की देखूँ, सेम ऐसे ही है। जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 हो तो एक्स टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसा प्रश्न आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है सेम क्वेश्चन है, सेम ट्रिक आप लगा सकते हो, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। आप इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इसमें भी आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2, ये ए है, ए की वैल्यू कितनी होगी, 25, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4, और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 माइनस, ये इधर आकर कितना हो जाएगा, 2, बचेगा क्या, 23। तो ट्रिक ही ज़्यादा बेटर बेस्ट है आप लोगों के लिए, और ट्रिक से ही अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगले प्रश्न पर चलते हैं, और जो आपके सामने अगला प्रश्न है वो देखिए, कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी है, अगर यहाँ पर वैल्यू की बात करूँ मैं, ये वैल्यू जो दी हुई है ये माइनस में है। ठीक है, अगर इस वैल्यू को जब आप माइनस में दिया हुआ है, जब आप इधर प्लस में बनाना चाहेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो इसके लिए जो ट्रिक काम करती है वो ट्रिक क्या कहती है, वो कहती है एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। बस सिंपल सी बात है, ए, क्योंकि इस वैल्यू को हम ए मानेंगे, यहाँ पर माइनस है तो इस साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यू यहाँ पर पुट करते, अगर 4 का स्क्वायर करते 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, ठीक है, ये आपका आंसर होता, ये इधर आएगा 16 प्लस 2 इक्वल टू 18 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ, यहाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, थोड़ा हटके है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, अगर ये वाली वैल्यू, ये x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू 2 गिवन है, तो अगर मैं इसको लेट कर लूँ, लेट x इक्वल टू 1, अगर इसको 1 मान लूँ, इसको मैं बताऊँगा भी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। x की वैल्यू को अगर आप 1 मानेंगे तो ये x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू भी 1 रखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर 1 रखें, अगर यहाँ पर 1 रखें, 1 की पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 आएगा, माइनस अगर इसकी वैल्यू को भी नीचे आप 1 रखेंगे, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो इसका मतलब 1 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। भाई अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर 2 है तो आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई लेट कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1, x का मान हम 1 मान सकते हैं, अगर मैं यहाँ पुट करूँ x का मान तो ये वैल्यू 1 बन हो जाएगी, यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब x की पावर कुछ भी हो तो इसका मतलब 1 होगी, x की पावर यहाँ पर भी कुछ होगी 1 होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। बात क्लियर है? सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर माइनस 2 है तो x की वैल्यू हम क्या लेट कर सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 लेट कर सकते हैं, माइनस वन मिलकर क्या हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी पावर माइनस 1 की पावर विषम संख्या रखता हूँ तो इसका मतलब माइनस 1 आएगा, 2019 क्या है, विषम नंबर है। अच्छा अगर मैं एक्स की पावर माइनस एक्स यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स की पावर कितना रखता हूँ मैं, 2020 रखता हूँ, तो ये एक सम संख्या है। जब भी कभी आप माइनस 1 की वैल्यू की पावर अगर आप क्या रखते हैं, दो एक सम संख्या से सम संख्या रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या बचेगी, 0। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर वैल्यू क्यूब की बात आ रही है। क्यूब में अगर आपने क्यूब का फार्मूला सुना होगा तो यहाँ पर आप दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, इधर भी क्यूब कर दिया, इधर भी क्यूब कर दिया। आप चाहे तो क्यूब का भी ट्रिक बता सकते हो, मैं आपको ट्रिक है, ये ट्रिक काम करता है। यहाँ पर ए की वैल्यू अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस का फार्मूला लग जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a, ठीक है, ये ट्रिक काम करती है यहाँ पर। ठीक है, आप फार्मूले से फार्मूले लगाकर सॉल्व करना चाहते हैं, आप फार्मूले लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो ट्रिक से भी पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी, 3 का क्यूब करेंगे 27, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 माइनस 3a, माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, आप चाहे तो इस फार्मूले को भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इधर रखेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 27, राइट। इसकी वैल्यू देखे तो ये कितना था, 3 था, 3 यहाँ पुट करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू, इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इक्वल टू 27, ठीक है, ये वैल्यू इधर आ जाएगी 27 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 18। सेम क्वेश्चन नीचे है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा।